आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समीर अली की दो वीडियो शिवपुरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ये एक वीडियो पहले की बताई जा रही है। इस वीडियो में समीर अपनी जांच की मांग कर रहा है। इसके बाद ही सीएमएचओ अर्जुन लाल शर्मा की भी वीडियो वायरल हुई। कोरोना जैसे संवेदनशील मामले पर प्रशासन की सच्चाई से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। जहां हालात ये हैं कि आज जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। ये मरीज जिसका सैंपल तक लेने के लिए प्रशासन तैयार नहीं था, लेकिन जब युवक ने अपना सैंपल लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, हमारी fastsamachar.com की टीम से संपर्क में समीर आया तो हमने SP शिवपुरी और कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला लाया। तब कहीं जाकर युवक का सैंपल लिया गया। जब युवक की रिपोर्ट आई तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दरअसल ऐसा हुआ कि समीर खान पुत्र अयूब खान निवासी चांदनी चौक बीते दिनों हैदराबाद से संपर्क क्रांति से 16 मार्च को खनिया थाना आया था। युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में बताया गया है कि वो आने के बाद से ही अपने आप को आइसोलेट किए हुए है। वो ना तो घर वालों से मिल रहा है और ना ही खाना भी खुद लेकर खा रहा है। युवक का आरोप था कि लौटने के बाद से उसे स्वयं में कोरोना के लक्षण दिखाई लग रहे थे, जिसके चलते समीर ने खनिया थाना BMO से संपर्क किया, जिस पर BMO ने भी महज ये कहकर कि आप अपने घर में आइसोलेट हो जाइए। लेकिन युवक ने उसके बावजूद भी कई बार फोन किए तो हर बार टीम यही बोलती रही कि आपको लेने एम्बुलेंस आ रही है, आप तैयार रहें। लेकिन एम्बुलेंस देर रात तक नहीं पहुंची। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं खनिया थाना जिला शिवपुरी का रहने वाला हूं। जैसे कि आजकल कोरोना का बहुत कहर है हमारे देश में। मैं अभी अभी बाहर से लौटा हूँ हैदराबाद से। 13 तारीख को गया था, 15 तारीख को लौट के आया हूँ। और तभी से ही जैसे कि मैं जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, कोरोना के जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो सेम वैसे ही लक्षण मुझमें भी थोड़े से हैं। तो मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख रखा है। खाना वगैरह में भी अपना खुद ले लेता हूँ। किसी से मिल नहीं रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, घर वालों से भी दूर हूँ। मैंने यहाँ के जिला अस्पताल BMO साहब को बोला है, उनसे मिला हूँ जाके, उन्होंने बोला है कमरे में बंद रहिए। मैं हो गया। अभी फ़िलहाल मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। मुझे सर्दी जुकाम है, खांसी भी है, सूखी खांसी, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। प्रशासन स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। मुझे बोलते हैं आप तैयार होइए, गाड़ी आपके लिए आ रही है। एम्बुलेंस शाम को 4 बजे एम्बुलेंस का बोला था, रात को 10 बज गई, एम्बुलेंस नहीं आई है। फिर मुझसे बोलते हैं कि ये जो वायरस है यंग लड़कों को नहीं हो रहा है, 60 साल की एज के बाद हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है तो आप चेकअप कराइए ना हमारा, अगर हमारी ऐसी कंडीशन हो रही है तो, या आप हमें मना कर दीजिए तो हम हमारा पर्सनल इलाज करवा लेंगे। आप लोग हमारे पेपर तैयार करके रेफर कर रहे हैं कि पेपर तो तैयार हो गए, वो मरीज पहुंच नहीं रहा है। तो इस तरीके की लापरवाही हो रही है और मेरी बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है मुझे। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग दुआ करना मेरे लिए, मैं ठीक हो जाऊँ। लगभग 2 दिन तक एम्बुलेंस नहीं पहुँचने का नाटक चलता रहा। उसके बाद इस युवक को लेकर टीम शिवपुरी पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां भी CMHO ने महज ये कहकर जांच सैंपल लेने से मना कर दिया कि ये सिर्फ नौटंकी है, ऐसे कोई भी लक्षण युवक में नहीं लग रहे। लेकिन युवक ने जिद की, तब कहीं जाकर युवक का सैंपल लिया। जब रिपोर्ट आई तो प्रशासन चौंक गया। उक्त युवक कोरोना पॉजिटिव आया है। प्रशासन ने पूरी लापरवाही की थी और इस दौरान प्रशासन ने दीपक का सैंपल लेकर उसे घर पर ही छोड़ दिया था, जहां युवक अपने पूरे मोहल्ले सहित बाजार तक में घूमता रहा। जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब कहीं जाकर युवक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उठाया। इसके साथ ही पूरे जिले से खबरें आ रही हैं कि लोग अपनी जांच कराने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अधिकतर लोगों को महज सेल्फ आइसोलेट की सलाह देकर घर वापस भेज रहे हैं। आज समीर के कोरोना पॉजिटिव की खबर आई तो सोशल मीडिया पर समीर का पुराना वीडियो अपलोड होकर शहर के ग्रुपों में दौड़ने लगा, जिसमें समीर प्रशासन से अपने टेस्ट की गुहार लगा रहा है। इसके बाद CMHO शिवपुरी अर्जुन लाल शर्मा ने भी एक वीडियो अखबारों के दफ्तरों को अपलोड कर दिया। अब बात करते हैं समीर के दूसरे वीडियो में। इसके बाद ही आज समीर का दूसरा वीडियो फेसबुक के माध्यम से समीर ने अपलोड किया। इस वीडियो में वो अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनको खाना फल आदि समय पर मुहैया न कराना,
अस्पताल के अंदर मौजूद गंदगी, इस गंदगी से दूर रखकर अपने आप को अस्पताल में आइसोलेट किया जा रहा है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी समीर खान ने। अब देखने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा वीडियो सामने आने के बाद भी क्या अस्पताल प्रबंधन बदलाव करेगा या फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं शिवपुरी हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ। यहाँ के हालात ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है कि यहाँ पर इंसान और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अगर अच्छा इंसान भी है, सही है, सेहतमंद है, तो यहाँ वो और इतना बीमार हो जाएगा कि उसकी डेड बॉडी घर जाएगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात ऊपर तक पहुँचाइए और मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। मुझे यहाँ मरने से अच्छा है कि मैं अपने घर मर जाऊँगा, वो सही है। मेरी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो रही है, खाने की व्यवस्था बिल्कुल ढंग की नहीं है। यहाँ का खाना ऐसा है कि इंसान को वीकनेस इतनी हो रही है, कमजोरी इतनी हो रही है, ऊपर से यहाँ का खाना पूछो मत। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट था, ये सुबह का ब्रेकफास्ट है। अब आप ये बताइए कि इसको आप रूखा कैसे खाएंगे? ये नॉर्मल मेडिसिन है, आप इसको बताइए आप इसको रूखा कैसे खाएंगे? गंदगी देखिए आप, ऐसे वार्डों में हमें रख रखा है। देखिए ये पूरा हॉस्पिटल है, हमें यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, वॉशरूम करने के लिए जाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी है। अगर स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी यहाँ एक मिनट अगर रुक जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं एक महीने रुक जाऊँगा यहाँ। देखिए आप खुद देखिए, ये हमारे आइसोलेशन वालों को रख रखा है, कोरोना वालों को यहाँ रख रखा है इन्होंने और बीमार होने के लिए, ताकि ये जल्दी से मर जाएं और इनकी डेड बॉडी इनके घर वालों को भेज दी जाए। देखिए आप, यहाँ अगर प्रशासन का एक मिनट आदमी कोई रुक सकता है तो आप मुझे बताइए और मेरे पास आइए। कोई है रुकने वाला? ऐसा कोई बंदा है जो यहाँ एक मिनट के लिए रुक जाएगा? ये देखिए पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए ये आइसोलेशन वाले हैं, ऐसी जगह पे हमें रख रखा है। ये हमारे दीपक भाई है जो कि पॉजिटिव आए हैं, अच्छी खासी कंडीशन है इनकी, लेकिन इस हालत में ये और बीमार हो जाएंगे। ये हमारा खाना है, ये हमारा खाना है, आप देखिए पेट में भी नहीं उतर रहा है। ब्रेकफास्ट हो, ये ब्रेकफास्ट है, कोरोना को लेकर के शिवपुरी का अपडेट। आज की स्थिति में 26/3/2020 की स्थिति में हमने अभी तक 7 सैंपल्स भेजे हैं, जिनमें से कि हमको 6 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उनमें से 5 हमारे नेगेटिव पाए, 4 हमारे नेगेटिव पाए गए हैं और 2 हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बॉर्डरलाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इस तरह से कुल मिलाकर 2 मरीज हैं, दोनों ही मरीज आइसोलेशन में भर्ती हैं, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं और दोनों ही मरीज पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। सर, एक खनिया थाना के रहने वाले मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका आजकल, जिसमें वो स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? ये खनिया थाना के जो मरीज हैं, इनके द्वारा
हैदराबाद से उस बोगी में ट्रेवल किए थे ये, जिस बोगी में बाद में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इन्होंने कोई जानकारी न स्वास्थ्य विभाग को न किसी विभाग को दी, ये अपने लौट करके चुपचाप अपना काम करने लगे, अपनी दुकान खोलकर बैठ गए और वो करने लगे। जब हमें किन्हीं सोर्स से ज्ञात हुआ, गवर्नमेंट से ज्ञात हुआ कि ये उस बोगी में सफ़र कर रहे थे जिसमें कि 7 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, तब हमने इनको अप्रोच किया और इनको चूँकि कोई सिम्टम्स नहीं थे तत्काल इनको होम क्वारंटीन में रखा गया। ये हमारे सामने वहाँ से दुकान बंद कर होम क्वारंटीन में चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये वहाँ से उठ करके वापस इन्होंने दुकान खोल ली और इन्होंने हमारी उसका पालन नहीं किया। हमें उसके पश्चात पुलिस की मदद लेनी पड़ी और पुलिस की मदद से इनको हमने होम क्वारंटीन में रखा और दुकान में स्थायी रूप से ताला डलवाया। होम क्वारंटीन में रखने के बाद भी ये कहते रहे कि चूँकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुझे घर में क्यों कैद कर रहे हैं। तब हमने दूसरे दिन जाकर इनको बताया कि चूँकि आपको जहाँ से आप जिस बोगी में ट्रेवल कर रहे थे उस बोगी के 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, अतः अब आपको शिवपुरी ले चल के हम आपका भी टेस्ट कराना चाहते हैं। तब हमने उनको यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाने के बाद हमने उनका टेस्ट भेजा, उस टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हो गई है, वो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको अभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो स्वस्थ होंगे पूरी तरह से। सर अभी फ़िलहाल कितने सैंपल्स और जांच के लिए भेजे गए हैं? 3 सैंपल्स हमारे द्वारा जांच के लिए आज भी भेजे गए हैं।